रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग में आपात न्यूक्लियर अटैक की होने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो धरती से अधिकतर देशों का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि 5 ऐसी जगह होंगी जहां इस न्यूक्लियर अटैक का कोई असर नहीं होगा और लोग वहां मजे से रह रहे होंगे। दुनिया में 8 देशों के पास न्यूक्लियर बम है। दुनिया में सभी देशों के पास 13,000 से ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे बमों से दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है, लगभग 7,000। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर लोग अपनी जान बचा सकते हैं और मजे से रह सकते हैं न्यूक्लियर वॉर के समय। नंबर 1 पर है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परमाणु जंग में भी अंटार्कटिका महाद्वीप बचा रहेगा। इसकी वजह है जून 1961 में हुई एक संधि। इस महाद्वीप पर दुनिया के सभी देशों की सैन्य गतिविधियों पर रोक है। 2 पर है दोस्तों कोलोराडो अमेरिका। न्यूक्लियर वॉर में अमेरिका का भी नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन अमेरिका में कोलोराडो की पहाड़ी पर स्थित एक सेंटर है जो सुरक्षित रहेगा। अमेरिका ने पहाड़ में गुफा बनाकर न्यूक्लियर प्रूफ हड्डा बना रखा है। इस गुफा का गेट ही 25 टन वजनी है जो आसानी से नहीं पिघल सकता किसी भी वॉर के समय न्यूक्लियर अटैक से। 3 पर है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड उत्तरी ध्रुव पर बसा एक छोटा सा देश है। यह अपने आप को दुनिया की राजनीति से अलग रखता है, इसलिए कोई भी देश इसे अपना दुश्मन नहीं मानता, लिहाजा वहां पर न्यूक्लियर अटैक की संभावना भी बेहद कम ही है। 4 पर है दोस्तों गुआम। गुआम प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश है कि आबादी केवल 1,70,000 है। यह देश पूरी तरह टूरिज्म पर निर्भर है। कोई भी देश अपना दुश्मन नहीं मानता, इसलिए यहाँ पर हमले की संभावना बेहद कम ही है। 5 पर है दोस्तों इजराइल। इसे तो इजराइल कई सारे मुस्लिम देशों की आंखों में खटकता है। वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक की संभावना बेहद कम ही है, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के प्राचीन स्मारक मौजूद हैं। इसे कोई भी राष्ट्र खत्म नहीं करना चाहेगा, इसलिए इजराइल को परमाणु हमले से महफूज देश माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे महफूज देश। जो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।